केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये जानकारी दी। इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार कोई अहम बिल ला सकती है। सूत्रों के अनुसार 5 दिनों तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव बिल लाने की तैयारी में है। बता दें कि बीजेपी लंबे समय से एक देश एक चुनाव चाहती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं। वो एक देश एक चुनाव को भारत की जरूरत बता चुके हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से बताया है कि आगामी विशेष सत्र में मोदी सरकार वन नेशनल वन इलेक्शन पर बिल संसद में ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो संसद में एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच तानातानी का माहौल देखने को मिल सकता है। एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग भी काफी सक्रिय है। इस साल की शुरुआत में उसने विभिन्न राजनीतिक दलों से जवाब की मांग की थी। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले यदि सरकार ये बिल लेकर आती है तो यकीन मानिए बड़ा कदम माना जाएगा। इस पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसका विरोध भी कर सकते हैं। एक देश एक चुनाव तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार एक देश एक चुनाव का जिक्र कर चुके हैं। वो एक साथ चुनाव करवाने के पक्षधर रहे हैं। कुछ साल पहले उन्होंने इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। हालांकि तब भी राजनीतिक दलों की राय अलग अलग थी। पीएम मोदी का एक देश एक चुनाव करवाने के पीछे तर्क ये है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि देश का पैसा भी बचेगा। मालूम होगी देश में हर साल कई विधानसभा चुनाव होते हैं। इसके अलावा हर 5 साल में लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं। ऐसे में बीजेपी का तर्क है कि यदि इन चुनाव को एक साथ करवाया जाता है तो पैसे और समय की बचत होगी। वहीं केंद्र सरकार ने अमृतकाल के बीच 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि यह सत्र 9 से 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर बैठक के कुछ दिनों के बाद आयोजित होने जा रहा है। जोशी ने कहा कि संसद के इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, अमृतकाल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशावंतित हूँ।